अच्छा, हमारे मोहल्ले में तो कई आंटियों ने पंचायत करना बंद कर दिया जब से मैंने उन्हें बताया है ज्यादा बोलने से भी कोरोना वायरस फैलता है। अच्छा, कोरोना के चक्कर में भैया ना बाल काटने को नाई, ना काम करने को बाई, ना खाने को मिठाई, ना जेब में कमाई, घर में दिन भर रहो तो झगड़ा करे लुगाई, बाहर निकलो तो पुलिस करे कुटाई। अरे भैया ये कैसी आफत आई कि वो मुझे भूलने की कोशिश बार बार कर रही होगी, वो मुझे भूलने की कोशिश बार बार कर रही होगी, मेरी हिचकियों से लगता है मुझे याद कर रही होगी। मित्रों, वहम की दवाई और बिना नखरे की लुगाई अभी तक लॉन्च नहीं हुई है। टीवी पर सीरियल देखने वाली औरत और पानी में बैठी हुई भैंस कभी भी जल्दी नहीं उठती। पत्नी, पूरी दुनिया का वजन कितना है? पति, 80 किलो। पत्नी, वो कैसे? पति, तू ही तो मेरी दुनिया है। अरे भाई एक बात बता, इस दुनिया में सबसे दुखी आदमी कौन है? पानी पूरी वाला। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि लड़की कुआरी हो या शादीशुदा, उस बेचारे को भैया। कोई गलती से भी ये ना कहे, हे भगवान मुझे उठा ले, फाइलें तुरंत पास हो रही हैं। तुम मुझे सोने का हार दिलवा दो, तुम्हें मैं 7 जन्म तक चाहूंगी। हार के साथ कंगन भी दिलवा दूंगा, पर बात इसी जन्म तक रहने दो। अरे सुन, तोलिया दे दे, मैं नान जा रहा हूँ। मैं अभी सिंदूर लगा रही हूँ, अपने आप ले लो। दे रही है कि नहीं? तुम्हें पता है एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या है? अच्छा, अभी बता दो तुझे एक चुटकी सिंदूर की कीमत। इतना रसोई का राशन 5,000, बच्चों की स्कूल फीस 6,000, बिजली का बिल 3,000, पानी का बिल 2,000, मकान की EMI 20,000, मेडिसिन 1,500, अन्य खर्चा 2,000, बच्चों की ट्यूशन फीस 1,500, अन्य खर्चा 6,000, और ये सब इसलिए कि तेरी मांग में एक चुटकी सिंदूर भरा, नहीं तो 10,000 में मस्त जी रहा था मैं।